नमस्कार। अगर देश के शहीद जवान के लिए आवाज उठाने के लिए मैं देशद्रोही कहलाया जाऊंगा तो मुझे गर्व है कि मैं देशद्रोही हूं। अगर इस बहुत बड़े इंटेलिजेंस फेलियर के लिए सरकार को कटघरे में रखना देशद्रोही कहलाना है तो मुझे गर्व है। अगर पाकिस्तानी आईएसआई के एजेंडे को इस देश में जो लोग पूरा कर रहे हैं, अराजकता फैलाकर, दंगे फैलाकर, अपने ही देश के नागरिकों को टारगेट करके, तो मैं देशद्रोही हूं। दोस्तों, आज एचडब्ल्यू न्यूज में सुनिए सरकार में मैं आपके सामने दो हैरत में डाल देने वाले, चौंका देने वाले तथ्य रखने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों, मेरे सामने यह रिपोर्ट है क्विंट की। क्विंट में उनकी जो रिपोर्टर है, उन्होंने सीआरपीएफ के एक सीनियर ऑफिशियल से बात की है और वो सीनियर ऑफिशियल क्या कह रहा है, सबसे पहले मैं आपको अंग्रेजी में बताऊंगा और फिर उसका तर्जुमा हिंदी में करूंगा। वो कहते हैं, लॉट ऑफ जवान्स गॉट स्ट्रैंडेड इन जम्मू बिकॉज ऑफ रोड ब्लॉक्स ड्यू टू स्नोफॉल। लास्ट कॉन्वॉय मूवमेंट हैपेंड ऑन 4th February, हेंस वी रोड टू आर सीआरपीएफ हेडक्वार्टर्स रिक्वेस्टिंग देम टू प्रोवाइड अस फैसिलिटीज टू ट्रांजिट जवान्स बाय एयर, बट नथिंग हैपेंड। No one bothered to reply to us. CRPF के सीनियर ऑफिशियल ने क्विंट को कहा है कि जनवरी और फरवरी में जो बर्फ पड़ी थी, जिसके चलते बहुत जगह पर गतिरोध पैदा हो गए थे, उसकी वजह से हमारे कई जवान फंस गए थे। हमने CRPF हेडक्वार्टर्स को खत लिखा कि आप हमें बाय एयर लिफ्ट कराएं, मगर हमारी तमाम गुजारिशों को अनसुना कर दिया। किसी ने हमारे लेटर का जवाब तक नहीं दिया। और 14 फरवरी को क्या होता है दोस्तों, यह मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। वो घटना जिसने आप और हम सबको हिला दिया है, मगर हकीकत आपके सामने यह है। गृह मंत्रालय को सीआरपीएफ गुजारिश करता है कि उन 2500 सैनिकों को 78 बसों के जरिए ना सही, उन्हें आप बाय एयर पहुंचाइए, मगर इसे पूरी तरह से अनसुना कर दिया गया। और अब दोस्तों, आपके सामने दूसरा प्रमाण, और यह बहुत ही हैरत में डाल देने वाला है। दोस्तों, मेरे पास यह लेटर है। यह लेटर वरिष्ठ पत्रकार सैकत दत्ता ने अपने ट्विटर टाइमलाइन पर फ्लैश किया है। यह लेटर क्या कहता है, मैं इस वक्त आपको पूरे स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा। यह लेटर कहता है, और यह लेटर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बीएसएफ को लिखा है। इसमें कहा गया है कि आपने हमें एक याचिका भेजी थी जिसका नंबर था 2400/OPS/17C/2018-39697 डेटेड 7/1/2019, और यह गुजारिश की गई थी, बीएसएफ ने गुजारिश की थी कि आप हमें MI-17 हेलीकॉप्टर्स दीजिए 2 महीने के लिए, जनवरी और फरवरी के लिए। यह गुजारिश की थी बीएसएफ ने। और इसके जवाब में गृह मंत्रालय ने क्या कहा कि इस मामले की हमने जांच की है, बीएसएफ के एयरविंग के साथ हमने मशवरा किया है और हमने पाया है कि आपको MI-17 हेलीकॉप्टर्स देना 2 महीने के लिए संभव नहीं है। However, BSF is requested to submit their proposal for airlifting of their stranded personnel through IAF aircrafts as and when requirement arises. जहां एक तरफ से सूत्रों के हवाले से गृह मंत्रालय ने कहा है कि सीआरपीएफ से जुड़ी खबर सरासर झूठी है और उसमें कोई तथ्य नहीं है, BSF के खत पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने चुप्पी साध ली है, तो क्या यह सवाल उठाया जाना जरूरी नहीं है? मेरा सवाल गृह मंत्रालय से और मोदी सरकार से, क्या अब आप इंतजार कर रहे हैं कि इसी तरह की कोई घटना जो है वो बीएसएफ के साथ हो? क्योंकि मेरे 40 भाई वो तो शहीद हो चुके हैं, उनके परिवार रो रहे हैं, उनके आंसुओं पर बेशर्मी से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सियासत कर रही है, मगर उन्होंने जो ये तमाम लेटर्स आपके सामने भेजे थे, आपने उसे पूरी तरह से अनसुना कर दिया। मेरा आपसे सवाल है, क्यों? और ये सवाल आपसे कोई नहीं करेगा दोस्तों। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि YPS पनवर, जो कि रिटायर्ड IGP हैं CRPF के, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मूवमेंट ऑफ 78 व्हीकल्स इन अ कॉन्वॉय वॉज लाइक अ सिटिंग डक फॉर टेररिस्ट।
आई फील ट्रांसपोर्टिंग सो मेनी जवान्स टुगेदर वॉज नॉट अ करेक्ट डिसीशन। उन्होंने कहा कि 78 बसों को, और ये दोस्तों बसों थी, बुलेट प्रूफ बख्तरबंद गाड़ियां भी नहीं थी, बसों को इस तरह से ट्रांसफर करने के चलते आतंकवादी जो हैं वो बहुत ही आसानी से हमारे जवानों को निशाना बना सकते थे। ये कोई और नहीं, सीआरपीएफ के फॉर्मर आईजी कह रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, इसके बाद ऐसे में आप क्या कीजिएगा? क्या अब भी आप देशभक्ति का राग एक तरह से अलापते रहिएगा? क्या आप इस वक्त भी अपने सरकार से कोई सवाल नहीं करेंगे? मुझे पूरा भरोसा है कि देशभक्ति के रंग में रंगे लोग सही जानकारियां भी हमारी एजेंसियों तक पहुंचाएंगे, ताकि आतंक को कुचलने में हमारी लड़ाई और तेज हो सके। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। दोस्तों, दुख की बात यह है कि जब इस तरह की घटना हो रही है तो आपके जहन में सवाल पैदा होता है कि भाई आपने उन्हें एयरलिफ्ट क्यों नहीं कराया, आपने उन्हें हेलीकॉप्टर्स क्यों नहीं प्रोवाइड किए ताकि वो हवा के जरिए पहुंच सकते थे श्रीनगर। क्योंकि देखिए, ये सरकार क्या है, मैं आपको बताता हूं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जब पूरा आंदोलन शुरू होता है, पूरा कैंपेन शुरू होता है, तो खबर यह आती है कि उसमें से 50% से ज्यादा जो है वो एडवर्टाइजमेंट में, विज्ञापनों में खर्च हो गया। इसी तरह से आप हर पेट्रोल पंप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर देखते हैं, हर जगह आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी का चेहरा है, यानी कि यहां पर भी आप देख रहे हैं पैसा कितना खर्च हो रहा है। अब जिस दिन ये त्रासदी हुई, उस दिन की घटना मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा दोस्तों। उस दिन प्रधानमंत्री उत्तराखंड में थे, यह खबर है दोस्तों, और यह खबर क्या कहती है, नैनीताल की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कॉर्बेट नेशनल पार्क में डिस्कवरी चैनल की शूटिंग में भी हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कॉर्बेट का हर पहलू देखा और उसके बारे में जानकारी भी ली। चैनल जल्द ही यह शूटिंग प्रसारित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी डिस्कवरी चैनल के आग्रह पर बृहस्पतिवार को पश्चिमी रामगंगा नदी के रास्ते बोट पर सवार होकर कालागढ़ डैम से ढिकाला गए थे। करीब 30 मिनट की यात्रा के दौरान नदी में मौजूद घड़ियाल को निहारते हुए प्रधानमंत्री ने शूटिंग की थी। यह चीज डिस्कवरी चैनल में दिखाई दी। मुझे यह बात समझ नहीं आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिस्कवर करने के लिए उन्हें डिस्कवरी चैनल में दिखाने की क्या जरूरत है, और क्या आप सोच सकते हैं कि इसमें कितना पैसा खर्च हुआ होगा? क्या आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिस को एक वेब पोर्टल ने यह अपील की थी, प्रधानमंत्री हमें यह बताइए कि जब आप 1 जनवरी से, इसी महीने की 1 जनवरी से आप जब तमाम जगहों पर जा रहे हैं आधिकारिक यात्राओं पर, उसी दौरान आप बीजेपी की चुनावी रैलियां भी कर रहे हैं, तो हमें बताइए कितना पैसा आपका आधिकारिक यात्रा पर खर्च हुआ और कितना पैसा बीजेपी का, यानी कि बीजेपी ने कितना पैसा दिया? इस खत का जवाब तक नहीं आया है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं दोस्तों कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये आखिर हो क्या रहा है, और इस तरह से क्या जान की कोई कीमत नहीं है? कुछ महीनों पहले ये हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद नेपाल सिंह, इनसे पूछा गया था। कुछ महीनों पहले एक और घटना हुई थी जिसमें कई सैनिक मारे गए थे, इनसे पूछा गया था, तब इनका जवाब था कि सैनिक तो मरते रहते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। तो रोज मरेंगे आर्मी में, कोई ऐसा देश है जहाँ आर्मी का आदमी न मरता हो, झगड़ा हो, गांव में भी झगड़ा होता है, लठियाबाजी होती है, तो कोई टका तो वायरल होगा ही। दोस्तों, हकीकत यही है, हम ये मान के चलते हैं कि साहब सैनिक है तो उसको जान देनी होगी। ये हैं आपके सांसद, ये है इनकी इनसेंसिटिविटी, ये है इनकी संवेदनहीनता। और दोस्तों, अब ये तस्वीर देखिए, कल हमारे पर्यटन राज्य मंत्री के अल्फोंस जो हैं, वो एक शहीद को श्रद्धांजलि देने गए थे।
और आप देख सकते हैं कि उनके पार्थिव शरीर के साथ माननीय मंत्री जी सेल्फी खिंचवा रहे हैं। अरे कोई शर्म और लिहाज तो कीजिए, आप एक शहीद के की लाश के साथ, उसके पार्थिव शरीर के साथ आप सेल्फी खिंचवा रहे हैं। क्या कोई शर्म, कोई लिहाज, कोई किसी तरह की कोई भी लिहाज नहीं रह गया? और क्या इन मुद्दों को लेकर आपको सवाल नहीं करना चाहिए? मगर आप क्या कर रहे हैं दोस्तों, आप यह कर रहे हैं दोस्तों कि आप किसी तरह से अपने ही देश की जनता के लोगों को निशाना बना रहे हैं। जी, आप उन्हीं को निशाना बना रहे हैं दोस्तों। देहरादून में 12 कश्मीरी छात्रों को खुद को कमरे में बंद करना पड़ा क्योंकि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेता उन्हें टारगेट कर रहे थे। जी हां, अब मैं आपके सामने कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। HW न्यूज ने आपके सामने जम्मू से ये तस्वीरें प्रसारित की थी, आइए ये तस्वीरें फिर से देखते हैं। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि अपनी ही देश की गाड़ियों को जलाया जा रहा है, अपने ही देश की गाड़ियों को। यह चीज कल्पना से विचित्र हो सकती है। अब धूं धूं करती एक और गाड़ी को जलते देखिए दोस्तों। यह जम्मू की तस्वीर नहीं है, यह एक और शहर की तस्वीर है, मगर मैं उस शहर का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं नहीं बताना चाहता कि देश में कहां कहां इस मुद्दे को लेकर बेवजह अपने ही देश की जनता को टारगेट किया जा रहा है। जी हां, मैं आज आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं जो लोग इस तरह से हमला कर रहे हैं बेकसूरों पर। दोस्तों, पाकिस्तान का कि ISI भी तो यही चाहती है ना कि हमारे देश में बड़े पैमाने पर दंगे हों। ये जो बहादुर लोग हैं जो अपनी देश की जनता को टारगेट कर रहे हैं, इनसे मेरी अपील है कि जाइए, आप सीमा पार कीजिए, पाकिस्तान पर हमला बोलिए। किसने रोका है आपको? सरकार तो आपकी अपनी है ना, ये सरकार भी आपको ट्रांसफर करवा देगी सीमा के पार। जाइए, अपने लाठी डंडों त्रिशूल जो भी चीज है उसको लेकर जाइए, आप करिए हमला, कौन रोकेगा आपको? मगर आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी देश की जनता पर निशाना साध रहे हैं। आप न सिर्फ अपनी देश की जनता पर निशाना साध रहे हैं बल्कि आप अपनी ही प्रॉपर्टी का बड़े पैमाने पर नुकसान कर रहे हैं। आप अपने देश में असुरक्षा का माहौल पैदा कर रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर सरकार आपसे संयम बरतने की अपील भी नहीं कर रही है। ना आप इस सरकार से इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर सवाल कर रहे हैं, ना आप इस सरकार के दोहरे मापदंड को लेकर सवाल कर रहे हैं। जिस तरह से सरकार इस मुद्दे को, पुलवामा को जो एक इंटेलिजेंस फेलियर है उसे लेकर, वो जिस तरह से सियासी तौर पर भुनाने की कोशिश कर रही है, आप उस पर भी उसे लेकर सवाल नहीं कर रहे हैं। और जैसे कि इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि किस तरह से BSF ने भी और CRPF ने भी, दोनों ने हाथ जोड़कर भीख मांगा था कि आप हमें एयर के जरिए, हवा के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए ट्रांसफर कर दीजिए, मगर इस सरकार ने उनकी मांग को अनसुना कर दिया। कौन जिम्मेदार है उन मौतों के लिए, उन शहादतों के लिए, अब आप मुझे बताइए। खैर, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं दोस्तों जो आपके सामने कोई नहीं रखने वाला है, मगर आज से कई सालों बाद जब इतिहास लिखा जाएगा और जब यह कहा जाएगा कि जब ये हमारे सैनिकों की शहादत हुई तो उसके जड़ मुद्दे पे कौन गया था, उसके रूट कॉज में कौन गया था जिसके तहत ये सवाल उठाए गए कि इन्हें सही सुरक्षा क्यों नहीं मिली। और दोस्तों, इस प्रोपेगेंडा में मीडिया शामिल है। अब आप देखिए ये क्लिप, इसके अंदर मेजर जनरल बख्शी जी हां, इनसे पूछा गया कि ये कार इतनी आसानी से किस तरह से, जिस कार के जरिए 300 किलोग्राम एक्सप्लोसिव्स के जरिए हमला किया गया था, आखिर ये कार इतनी आसानी से कैसे यहां पर आ गई। तब उन्होंने दोष मढ़ दिया महबूबा मुफ्ती पर। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। महबूबा मुफ्ती के राज्यकाल में श्रीनगर के बाहर 3 चेक पोस्ट लगे थे आर्मी के। एक कश्मीरी सज्जन आए, बड़े गुस्सा उनको आया कि मुझे रोका, चेक क्यों किया जा रहा है। वो पहले बैरियर से क्रैश करते हुए गए, दूसरे बैरियर को क्रैश किया, तीसरे बैरियर पे हताश होके बोलने के बाद भी जब नहीं रोका तो सिपाही ने फायर खोला और वो मारे गए। बवाल खड़ा हो गया साहब,
भारत की जालिम फौज ये फौज क्यों तंग कर रही है लोगों को, और वहां पे महबूबा मुफ्ती ने इंश्योर किया कि वो जो बेचारा जवान जिसने फायर खोला था आज वो तिहार जेल में है। जो आर्मी कमांडर थे उस वक्त के जनरल हुडा साहब, उनको बुलाकर पब्लिक अपॉलोजी देनी पड़ी और वो बैरियर शेरियर वहां से हटा दिए। आज अगर ये गाड़ी क्लियर निकल जाती है साहब, तो कौन जिम्मेवार है? महबूबा मुफ्ती जवाब देगी आज उन 30 लाशों को, उन 30 परिवारों को। अब यहां पर सवाल दो हैं दोस्तों। क्या वरिष्ठ पत्रकार ने, क्या वरिष्ठ एंकर ने दो सवाल उठाए? पहली बात यह कि क्या महबूबा मुफ्ती, जब उन्होंने मान लिया जाए कि इस तरह से तमाम बैरिकेड्स को हटाने का काम कर दिया पूरे कश्मीर में, तो उस वक्त वो किसके साथ सरकार में थी? और अगर उस जवान को जिसने गोली चला दी थी, या जनरल हुडा पर जो कार्रवाई की गई थी, केंद्र में किसकी सरकार थी? बताइए, क्या यह पत्रकार ने सवाल पूछा? और क्या यह सवाल आपको नहीं पूछना चाहिए? आप नहीं पूछेंगे दोस्तों, क्योंकि आपके अंदर का जो बदनुमा चेहरा है ना, जिसके जरिए मैं अपने ही देश के लोगों को टारगेट करूंगा और उन्हें टारगेट करके कहीं ना कहीं मैं पाकिस्तानी आईएसआई के हाथ का खिलौना बन जाऊंगा। आप कठपुतली बन गए हैं पाकिस्तानी आईएसआई की। देशद्रोही आप हैं जो अपने ही देश की जनता को टारगेट कर रहे हैं। आप हैं देशद्रोही। सोचिएगा इस बारे में, क्योंकि मीडिया ने तो आपके सामने, आंखों के सामने पर्दा डाल दिया है। हकीकत से आप कोसों दूर हैं, यह हकीकत है आपकी। बहरहाल, इसी तरह से मुद्दे में आपके सामने सुनिए सरकार में एचडब्ल्यू न्यूज में लाता रहूंगा। इजाजत दीजिए, मन बहुत दुखी है दोस्तों, क्योंकि न सिर्फ हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं, बल्कि उस मौत के बाद असली सवाल, असली मुद्दे तक नहीं उठाए जा रहे हैं। इस वजह से मेरा दिल दुख रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप इस दर्द को समझेंगे और जो रूट कॉज है, जो असल मुद्दा है, उसके सामने उसे आप संबोधित करेंगे। नमस्कार।